नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। गैंगवार के लिए कुख्यात वासेपुर में हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या की गुत्थी अभी ठीक से पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि फिर एक हत्या हो गई। बुधवार को दिन दहाड़े लगभग 3:30 बजे बाइक सवार दो अपराधियों ने नया बाजार के जमीन कारोबारी 50 वर्षीय नन्हे खान को गोली मार दी। इलाज के लिए SNMMCH ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नन्हे वासेपुर में बॉस के नाम से मशहूर फहीम खान का करीबी था। उसकी हत्या से पूरा इलाका दहशत में है। आखिर वासेपुर में नन्हे की हत्या कर किसने फहीम खान को चुनौती दी है? बता दे कि हथियारे बाइक पर सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए हैं। घटना स्थल से मिली जानकारी के आधार पर नन्हे खान को तकरीबन आधा दर्जन गोली हमलावरों ने चलाया है। घटना के तत्काल बाद ही कुछ लोग नन्हे खान को उठाकर SNMCH ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे देखने के साथ ही मृत घोषित कर दिया है। घटना को लेकर मौके पर पहुंचे CTSP आर रामकुमार, ASP मनोज स्वर्गियार एवं बैंक मोड़ और भुल्ली OP पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इलाके के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। नन्हे खान आरा मोड़ के ओर से लौट रहे थे, तभी उस पर बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली बरसा दिया। पुलिस इस घटना को भी वासेपुर गैंग्स के आपसी अदावत इससे जोड़ कर देख रही है। नन्हे खान की मौत से आहत सैकड़ों अस्पताल में हंगामा भी शुरू कर दिया। हालांकि सरायढेला बैंक मोड़ समेत कई थाना की पुलिस वहां पहुंचकर मामले को शांत करवाया। सुरक्षा के लिहाज से वासेपुर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी बुलाया गया है। इधर घटना के लिए फहीम खान के बेटे इकबाल खान ने फहीम के भांजे प्रिंस खान एवं गोपी खान को साजिशकर्ता बताते हुए हथियारों को चुनौती दी है। गोली चला है, जिसको गोली मारा है, डिक्की था, अनवर था, बंटी खान, हीरा, भोमा राजा और एक हैदर नाम का लड़का है, चोर है ये था अनवर चोर। ये प्रिंस खान गोपी खान का परिवार के द्वारा कराया गया है ये कांड। और बिना मतलब का ऐसे कभी चांद रात को पप्पू पांचक पे तो इससे इस पे करवा रंजीत पे गोली चला के लोग। और जब ये लोग पार्टी में आता है, GMM में आया तो फल वाला से रंगबाजी मांगा, और उसके बाद अभी कांग्रेस में बंटी आया तो ये कर रहा है, गोली चलवाया। अरे तुम लोग को इतना मांगने का शौक है तो वासेपुर, अमन सोसाइटी, आजाद नगर, पांडरपाला, इतना बड़ा मुस्लिम मोहल्ला, अरे एक एक साल जकात मांगो ना, पूरा साल भर घर चलेगा, फिर अगले साल फिर जकात मांगना। क्या फल उठाता, ये उठाता और क्या छुप के वार करता, सामने सा एक बाल तो खुला घूमता है। मेरे से दुश्मनी था, मेरा सिनम गोली मार के जाता क्या, एक बेकसूर को मार के, उसका छोटा छोटा बच्चा है। नन्हे क्या करते थे? कुछ नहीं करता था बेचारा, आता था सिर्फ आरा मोड़ में बैठता था, उसका बस चलता है, आरा मोड़ में बैठता था, चाय पीता था, अपना दहशत बनाने के लिए ये लोग किया। और पुलिस के पास पहले हम लोग भी कंप्लेन किए हैं, वो कहाँ बैठा, दुबई में बैठा कि कहाँ बैठ के, एक प्लस प्लस वाला नंबर से जो इंटरनेशनल में लगता है, या ऐप डाउनलोड करके फ़ोन किया है, फ़ोन करता है कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, इसको मार देंगे करता, प्रिंस खान। हाँ, रीजन अब जो मारा वही बता सकता है, ये तो एक शरीफ आदमी थे, कभी किसी से कोई इससे कोई रंगदारी नहीं मांगा। और लोग तो रंगदारी करता, उपेंद्र सिंह भी केस किया है, रिकॉर्डिंग दिया थाना में उसका, हम लोग भी केस किए, पुलिस को हम लोग इन्फॉर्म कर दिए थे। अभी तो डॉक्टर सीरियस, आज अप्रॉक्सीमेटली 3:30 से 4 बजे गोली एक व्यक्ति को गोली चलाई, वो घटना अभी बस इधर वासेपुर में हुआ है। हम लोग फोन पर है, उसका छानबीन कर रहे हैं। क्या पता चल रहा है सर अभी तक? अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन CCTV की जानकारी ली जाएगी क्या सर, कि उसमें सारा चीज़ सर का हम लोग जानते हैं। सर अभी जो जिसको गोली लगी थी उसकी क्या स्थिति है? अभी तक डॉक्टर्स ने क्लैरिफाई नहीं किया है, जो आने के बाद ही थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।